जाओगे बर्बाद, जमाना नहीं अच्छा। मेहरबानो पूर्ण मन की मौसी न दे अपने इसके कजाल, पूर्ण मन पर गिरना चाहती है उसे पास बुला करके, उसकी जवानी को देख करके किस तरह से कहती है और गौली में भरने की कोशिश करती है और अपना प्यार किस तरह उजागर करती है और पूर्ण मन क्या जवाब देता है। आइए रविंद्र खाना और की आवाज में। लेकिन सर पे धरिए हाथ मात में बेटा लाग तेरा, सर पे धरिए हाथ मात में बेटा लाग तेरा। हेरा उठी भी रह की झाल देख के, उठी भी रह की झाल देख के, यो चंद्रमा सा चेहरा। मात में
तेरे सर पे धरिए हाथ मात में बेटा लागू तेरा। हीरा उठी भी रह की जाल देख के, उठी भी रह की जाल देख के, चंद्रमा सा चेहरा। सर पे धरिए हाथ मात में बेटा लागू तेरा, मेरे सर पे धरिए हाथ मात में बेटा लागू तेरा। जैमी दोस्तों, सावन का मस्त महीना होता है, ठंडी ठंडी फुहारें आसमान से पड़ रही हैं। से मिलने के लिए मेहरबानों धर्म के कगार में रंजा होया वो अजीत सिंह अपनी ब्याही को समझाता है कि प्यारी अभी मौका नहीं है, मैं बचनों में बंधा होया हूं, मेरे साथ छेड़ाखानी मत कर। किस तरह से अपने पिया को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है राजवाला और पति पे डटा हुआ है, किस तरह दोनों की बातें होती हैं। आइए रविंद्र खालौर और सरिता कश्यप की आवाज में देहाती रानी एनडीजे के माध्यम से। तू कर ब्याही का ख्याल पिया मेरी, झाल ना डटे, झाल ना डटे। लेकिन प्यारी मेरी बाला हो जा चाला मत काटते सटे, मेरी बाला हो जा चाला मत काटते सटे। बाला हो जा चाला मत काटते सटे, मेरी बाला
चाही आज प्यार अब मुझसे कर ले। अरे धीरज धर कर सबर नार मत करे घना लाचार ध्यान ये सबर का धर ले। तड़फे ब्याही नहीं समाही कर मन चाही आज प्यार तू मुझसे कर ले। मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, ये दुनिया आवागमन का चक्कर है।
और एक बात के द्वारा किस तरह समझाती है, आइए सुनते हैं रागिनी के अंदर। वक्त निकल जा गई बात का के पछतावा हो से, वक्त निकल जा गई बात का के पछतावा हो से, पछतावा हो जाए।
चमकाया सन लिया के करके सबर बैठ जा दुखिया गमका था सन लिया के बूझे तनास गया मेरे पटमल भाई का एक रति भर खोट नहीं से छूचक जाई का सच बूझे सगाई का
सच बूझे तनास गया मेरे पटमल भाई का, सच बूझे तनास गया मेरे पटमल भाई का।
यो बाग जनाना मैं सुमालन बैठ गया क्यों अड़के अरे मैं परदेसी दूर गाम का फायदा नहीं झगड़े के मैं परदेसी दूर गाम का फायदा नहीं झगड़े के यो बाग जनाना मैं सुमालन बैठ गया क्यों अड़के मैं परदेसी दूर गाम का फायदा नहीं झगड़े जाड़ में फंस कहती